हेलो दोस्तों, स्वागत है आई ऑफ्स हिंदी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से लेवल्स रहेगा। कल मंगलवार 11 अप्रैल 2023 के दिन है, तो कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल पे कॉल को बाय करके चलने चाहिए, कौन से लेवल पर पुट को बाय करके चलने चाहिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो लेवल्स को नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर आपको रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आई ऑफ्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन वीडियो को देखिए और लेवल्स के हिसाब से आप ऑब्जर्व करिए। पहले 10 दिन आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि लेवल्स जो भी प्रोवाइड करता हूँ वो कितना सही होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले निफ्टी का देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे कि क्या सिनेरियो बन रहा है कल के लिए, कौन सा लेवल हमें नोट करके रखनी चाहिए, फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे, साथ में ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का। 15 मिनट के चार्ट ओपन है, आज के दिन क्या हुआ ये समझेंगे तभी कल के दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो निफ्टी देखो आज क्या हुआ, आज 17700 का हाई लगाया, 17600 का सपोर्ट लिया, 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी ने ट्रैवल किया। ओपन होता है गैप अप 17650 के आसपास, गैप अप ओपन होता है, लेकिन वहां से क्या हुआ, मार्केट ने 650 से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया और 17600 पे आके मार्केट एक बायर्स के लिए मौका देता है और यहाँ पे बायर क्या हुआ, एक्टिव भी होते हैं। जब एक्टिव होता है 17600 पे तो मार्केट 17700 तक का ट्रैवल करता है, लेकिन 17700 पर क्या हुआ, मार्केट एक मुनाफा वसूली दिखाया, शॉर्ट सेल भी थोड़ा बहुत ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, शॉर्ट सेल थोड़ा सा हुआ है, मुनाफा वसूली ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन दोबारा से 17600 के आसपास सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर बायर एक्टिव हो गए जैसा कि आपको देखने को मिला। ठीक है, ये हुआ आज दिन में मार्केट में। देखो अब मार्केट यहाँ पे जब ओपन हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी क्योंकि काफ़ी नीचे से पोजीशंस होल्ड करके बहुत सारे ट्रेडर्स आए हुए थे, लेकिन एक बार 17600 पे जब मौका मिला तो यहाँ से मार्केट उठा, 17700 पे गया। 17700 आज मंडे था, सब हफ्ते का पहला दिन था, तो 17725 मुनाफा वसूली जोन था, तो 700 पे ही मुनाफा वसूली आ गई। होता है ना, 25 पॉइंट पहले ही मुनाफा वसूली करके निकलना चाहा ताकि फ्रेश बाय करेंगे। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, सेलिंग भी थोड़ा बहुत देखने को मिला, 17600 आया। ये मेरे लिए बढ़िया है एज ए रिटेल ट्रेडर के लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भी पोजीशंस थे वो हल्का हो गया, अब फ्रेश खरीदारी आएगी, इससे हमें मौका मिलेगा, एज ए रिटेल ट्रेडर को भी मौका मिलेगा खरीदने को। ठीक है, और सबसे अच्छी बात हुई है 17625 पे जो क्लोजिंग, 17600 के ऊपर जब क्लोजिंग हुई ना तो मार्केट को बुलिश ही समझो, बेरिश बिल्कुल मत समझना, कल मार्केट बुलिश ही रहेगी और ट्रेंड भी बुलिश है, पॉजिटिव रखना हमेशा दिमाग को। ठीक है, तो ये मेरा मार्केट का आज का सिनेरियो था। मार्केट जो है 17700 पे गया, 600 का सपोर्ट लिया, इस बीच में मार्केट जो है ट्रैवल भी किया, हल्का मार्केट हुआ पहले के पोजिशंस को और फ्रेश फिर से मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। तो कल है ट्यूसडे के दिन कौन से लेवल पे आपको फ्रेश बाय करके चलनी चाहिए, कौन से लेवल पे फ्रेश पुट को बाय करके चलनी चाहिए, समझते हैं। देखो सिनेरियो क्या होगा, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, तो देखो अभी गैप अप की बात करते हैं। गैप अप अभी 17625 पे मार्केट क्लोज हुई है, अब यहाँ से 50 पॉइंट अगर गैप अप हो तो 17675 पर ओपन होता है, अगर 75 पॉइंट हो तो 17700 पे। इस दोनों सिनेरियो में 17675 पे ओपन हो या 17700 पे ओपन हो, दोनों सिनेरियो में क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच। क्यों? लॉजिक है इसका। देखिए 17 यहाँ पे देखो, ये 17675 होगा और ये 17700 है, अगर इस दोनों में कहीं भी खुलता है ना तो हम 17675 पे खुलेगा तो हम बीच में रहेंगे, ना ऊपर का ना नीचे का, तो बीच में तो ट्रेडिंग लेना बेवकूफ़ी है, तो वो तो नज़रअंदाज करना है, सिंपल लॉजिक है। लेकिन 17700 पे जब जाएंगे ना तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि 17700 के ऊपर ब्रेक देती है या फिर वहाँ से फिर से ब्रेक डाउन नीचे ही आती है और 17600 का सपोर्ट लेती है, ये चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना है, तो वो देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। अगर 17725 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है और ग्लोबली पॉजिटिव होता है, मार्केट में बाइंग आ रहा हो, तब तो मेरा जो है टारगेट बनेगा आराम से कॉल में बाय करना, और कॉल में जब बाय करेंगे 17725 पे तो पहला 17775 का टारगेट रहेगा ये वाला, दूसरा 17825, ये टारगेट इंट्राडे में कल ही अचीव हो जाएगा 100%। ये मेरा सिनेरियो है गैप अप ओपन होने के बाद 17725 के ऊपर में कॉल बाय करेंगे, लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट नहीं देती है तब क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा वेट करना है। अब इस लेवल पे जब खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगी, तो फिर से 17675 इस लेवल में आएगा ना तो हम आराम से बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल में आएगा तो फिर बाय होगा और मार्केट फिर से 17700-725 का टारगेट हमें अचीव करवा देगा। ठीक है, ये हुआ गैप अप। लेकिन अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, देखो गैप डाउन अगर यहाँ से
625 है, 50 हो तो 17575 इस लेवल में होगा, और अगर वहाँ से 75 पॉइंट हो तो 17 इस लेवल में होगा, ठीक है। 17525 17575 इस लेवल में अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है कहीं भी, तो हम लोग एग्रेसिव कॉल में बाय करेंगे, मेरा जो स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है भाई। अब यहाँ से अगर हम मान लो कि यहाँ पे ओपन होती है, मैंने कॉल ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट एक बार और नीचे आ जाती है तो 17575 इस लेवल में मैं एक बार और बाय करूंगा, क्या दिक्कत है, टुकड़ों में दो बार बाय करूंगा, लेकिन 17475 मजबूत सपोर्ट है, मजबूत बाइंग जोन है, वहां पर आएगा तो दूसरी बार कॉल को लूंगा और वहां से मेरा टारगेट होगा 17625 का, 17725 का। ये मेरा दो टारगेट कल के दिन मिलेगा गैप डाउन ओपन होने के बाद। गैप अप ओपन होने के बाद ऑलरेडी बता दिया हूँ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं बताऊँ, 17600 जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है, 17700 जबरदस्त रेजिस्टेंस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसी दो प्राइस पे है कॉल और पुट में, ठीक है। तो 17700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा कॉल सेलर्स के द्वारा, और अगर 17700 के नीचे 17575 17550 इस लेवल में मार्केट अगर ओपन होता है तो इस लेवल में अच्छी खरीदारी आने की उम्मीद है। तो लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी की क्या सिनेरियो है, वहाँ पर कौन से लेवल पर हमें मजबूत खरीदारी देखने को मिलने वाली है। अब हम लोग बैंक निफ्टी पर आ गए हैं, बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि आज क्या हुआ, और फिर कल के बारे में समझेंगे कि कल का कौन सा लेवल पे हमें कॉल को बाय करके चलनी चाहिए और कौन से लेवल पे हमें पुट को बाय करके चलनी चाहिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं आज 10 तारीख था, 10 की तारीख को क्या हुआ। देखो गैप अप थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी ओपन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी गैप अप को ना संभाल नहीं पाया और मार्केट सेलिंग प्रेशर मुनाफा वसूली दोनों दिखाया, और एक बार की सपोर्ट जो लिया वो 40850 जो कि ऑलरेडी सपोर्ट दिखा रहा था पिछले दो चार दिनों से, उसी जगह सपोर्ट लिया और मार्केट में एक रेंज बना लिया। बैंक निफ्टी जो है ना वो एक रेंज बना लिया था अपने प्रीवियस डे के आसपास का। देखो प्रीवियस डे में ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला इसी रेंज के आसपास मार्केट जब गैप अप डाउन होकर एक रिट्रेसमेंट लेके सपोर्ट लेती है 40850 अपने पिछले सपोर्ट के आसपास इस रेंज में, तो इस रेंज में आकर देखो इसी रेंज में जो पिछले दो तीन दिनों से देखोगे इसी रेंज में हाई लगाती है। मार्केट कोशिश किया था यहाँ पे ब्रेकआउट देने का, लेकिन फिर से इसी रेंज में आ गया, तो इसी रेंज को हाई लगाया और फिर मार्केट क्या हुआ इस रेंज में ही आया जहाँ सुबह में सपोर्ट लिया। लेकिन एक बार की मार्केट को इस जो सपोर्ट था 40850 का जो सपोर्ट था उसको नीचे के साइड ब्रेक डाउन देने की कोशिश किया, आप ये देख सकते हो ये वाला है ना, लेकिन ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन यहाँ पे ना उसको मतलब ब्रेक डाउन देने नहीं दिया बायर्स, यहाँ पे जो बायर्स थे ना वो एक्टिव हो गए और मार्केट को फिर से ऊपर की ओर ले गए, जिससे हमें पता चलता है मार्केट में एक मजबूती है, बायर्स के बीच एक विश्वास है कि मार्केट को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए, ठीक है। अभी मार्केट में बैंक निफ्टी 40800 के आसपास क्लोज दी है, ठीक है, 40800 के आसपास जब क्लोज दी है तो कुछ ना कुछ तो अब मार्केट में कल के दिन का लेवल्स बनेगा। अब क्या बनेगा, देखो मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक है, पॉजिटिव मोड में है, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाया क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आज थोड़ा सा ढीला काम किया, मैं मानता हूँ, ठीक है। कल के दिन, कल मंगलवार के दिन 11 अप्रैल 2023 के दिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है समझिए। देखिए पहले आपको ये समझना है कि रेंज क्या है, ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला ये ब्लू कलर का जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखा रखा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर के साइड में 41089 या 41100 रख लो और नीचे के साइड में 40850, ठीक है, ये 40850 और 41100 रख लो, ये 150 और 100-250 पॉइंट के बीच में जो रेंज है ना, ये वाला रेंज, इस रेंज में अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी आ जाता है तो खरीदारी कोई भी ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे, कॉल में या पुट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी रेंज में मार्केट में बैंक निफ्टी फिर दिन भर रह जाएगा, ठीक है, दिन भर रह जाएगा और हमें दिन भर रहकर इस तरह के जो रेंज बाउंड कंसोलिडेटेड साइड रेज में हमें माथा खपाना नहीं है, फिर हम निफ्टी में देखेंगे या फिर निफ्टी में देखेंगे अपॉर्चुनिटी या फिर किसी भी फ्यूचर्स में देखेंगे, इसमें तब नहीं देखेंगे। लेकिन मार्केट में देखो कहीं भी खुले, अभी इस लेवल पर हो, अगर इस लेवल पर आके खुलता है 200 ऊपर पॉइंट, तो फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट ये मिलेगा 41275 का, इसके लिए ट्रेडिंग करेंगे कॉल में,
लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट नहीं देता है, यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट लेता है, तब हमें पीई में बाय नहीं करनी चाहिए। पीई में ना बीच के काफी ज्यादा लेवल्स बना हुआ है, तो पीई में हमें ना प्रॉफिट नहीं देगा, कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। तो जब मान लो कि इस लेवल में खुलता है, इसको रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, नीचे आएगा ना, तो पहला खरीदारी कहाँ बनता है 40,850 पे, दूसरा कहाँ उसके नीचे 40,750 के, 40,725। पहला खरीदारी 40,850, दूसरा 40,725। इस लेवल में नीचे आएगा तभी हम खरीदेंगे, कॉल में बाय करेंगे, क्योंकि इस लेवल पे बाय करने से हमें अच्छा खासा टारगेट और रिस्क टू रिवॉर्ड वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ से है और यहाँ खुलता है, तब गैप अप होता है, तब तो गैप अप में दो सिनेरियो है, एक ब्रेकआउट दे देगा तो पहला 275 का टारगेट हमें अचीव हो जाएगा, ब्रेकआउट नहीं दिया अगर नीचे की ओर आया तो पीई नहीं खरीदेंगे, अवॉइड करेंगे, इस लेवल में जब आएगा तब कॉल में बाय करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सुनने का और समझने का ही आपको जो है आप इतना टाइम देते हो और ये ट्रेडिंग है, समझते हैं। अभी मान लो गैप डाउन हुआ इस लेवल में, तो गैप डाउन अगर होता है इसके नीचे खुल जाता है, इस मान लो यहाँ से 40,834 के आसपास क्लोज दी है, अब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खुल जाती है 634-650 के आसपास। देखो नीचे जब गैप डाउन ओपन होगा ना, अगर ग्लोबली बढ़िया है, ग्लोबली पॉजिटिव है, गैप डाउन हुआ है, तो हमें एग्रेसिव बाय करनी है, चाहे इस लेवल में हो इस लेवल में हो, हमें एग्रेसिव बाय करनी है। लेकिन अच्छा पोजिशन तभी बनेगा जब मार्केट में जो है थोड़ा सा गैप अप हो, इस लेवल पर ओपन हो 41,000 के आसपास, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाए 40,850, 40,750, इस लेवल में अगर मार्केट में बैंक निफ्टी मिलेगा, इस लेवल में आंख बंद करके बाय करनी चाहिए। इस लेवल के अनुसार ही आपको ट्रेडिंग सफलता मिल सकती है, प्रॉफिट एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ठीक है, इस लेवल में आएगा तो या तो फिर इसके ऊपर, इस ब्लू लाइन के ऊपर 41,100 के ऊपर सस्टेन होती है, तब हमारा टारगेट 41,275 के लिए 150 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग करेंगे कॉल में। ठीक है, बस यही दो तरह का ट्रेडिंग करेंगे, अन्यथा इस बीच में रहेगा तो बैंक निफ्टी को कल अवॉइड करेंगे फ्यूचर में, या फिर निफ्टी में, या निफ्टी में पोटेंशियल ढूंढेंगे। ठीक है, वीडियो में कोई भी डाउट होगा, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी से कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा डायरेक्ट मैसेज में, वहाँ भी मैं आपको आपके जो भी डाउट होगा वह क्लियर कर देता हूँ। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी वीडियोस आती रहती है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को सपोर्ट करिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 8500 के मेंबर में शामिल हो जाइए। थैंक यू, जय हिंद।